नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द स्पीड स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग जो है डेली कुछ ना कुछ जो है आपके लिए जरूर देते हैं, चाहे जो भी हो आपको पर डे एक वीडियो देने का प्रयास करते हैं। और चूंकि मैंने बताया था कि इस समय जो है सर्वर की थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से आपकी सारी क्लासेस नहीं चल पा रही हैं, लेकिन शीघ्र ही सारी क्लासेस सारी टाइम पे जो है चलेगी। तो इसके लिए जो है आप अपना प्रेम और इसलिए बनाए रखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ते रहिए और शेयर करते रहिए इसको, क्योंकि देखिए आपका प्रेम और स्नेह जो है हमें आपसे बांधे रखता है। और जब आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे, तो हम लोग भी बंधे रहते हैं कि हम अपने बच्चों को कुछ ना कुछ जरूर दें। और आज उसी क्रम में हम लेके आए हैं, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, कि केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनता है और कैसे बनता है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आज जो है आप हमारे साथ बने रहिए, 15 मिनट का वीडियो रहेगा, 15 से 20 मिनट का वीडियो, और उसमें आप पूरी तरीके से जान जाएंगे कि जो केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं वो कैसे बनते हैं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो होता है वो क्या है, और किस प्रकार से किसी राज्य के विशेष दर्जे को हटाया जाता है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि जो है जम्मू कश्मीर जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था उसको जो है हटा दिया गया था। तो आज जो है हम उसी सब पर चर्चा करेंगे। और अगर आपको जानकारी ना हो तो हम बता दें कि पहले हमारे देश में 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन हुआ क्या, जब जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया तो हमारे पास राज्य हो गए 28 और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जो कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर था। तो अर्थात जो 7 था इसमें 2 की बढ़ोतरी हो गई और 9 हो गई, मतलब 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। उसी के बाद जो है जो आपका दादरा नगर हवेली और दमन और दीव था उसको मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। अर्थात वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में हमारे पास 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर प्रश्न बन जाए कि वर्तमान में हमारे पास कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आपके पास 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आज वर्तमान की स्थिति में हमारे पास है। तो हम लोग जो है आज चर्चा करेंगे कि आखिर केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, कैसे इसकी मतलब मंजूरी मिलती है विधेयक को, कहां पर ये बिल पास होता है, कई मतलब किस प्रकार से इसको बनाया जाता है, आज हम उस सब विषय पर चर्चा करेंगे। और आप लोग जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए और उसके बाद हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आप लोग शेयर कीजिए, आपका कर्तव्य बनता है कि आप जो है हमारे साथ जुड़े रहें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। और निरंतर ही आपको मैं कुछ ना कुछ स्पेशल जरूर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। और अपना विश्वास जरूर बनाए रखिए, कुछ ना कुछ आपको जरूर यहां से मिलेगा और उससे आपको फायदा जरूर होगा। चाहे आप जिस भी परीक्षा में बैठे, आप अगर जो है यहाँ पर पढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं, तो आपको जो है कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलेगा। चाहे आपको 5 ही नंबर का फायदा मिले, लेकिन मिलेगा जरूर, याद रखिएगा। तो चलिए चर्चा करते हैं कि आखिर क्या है जो केंद्र शासित प्रदेश हमारे हैं, वो कैसे बनते हैं, तो देखते हैं आगे करते हैं कि कैसे बनते हैं केंद्र शासित प्रदेश। अगर जो है आप लोग हमारा पिछला वीडियो ना देखे हो, G7 में शामिल होगा भारत, तो उसको जो है आप लोग जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं। तो अगर मुख्य बिंदु की बात करें तो देखिए मैं एक बार सेट कर लेता हूं ताकि जो है प्रॉब्लम ना हो। ठीक, चलिए। तो अगर मुख्य बिंदु की बात करें तो जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने की मंजूरी जो है वो संसद से मिल गई थी। राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019 के दोनों सदनों से पारित होने के बाद अब जम्मू कश्मीर की नागरिकता निर्धारित करने वाला अनुच्छेद 35A भी खत्म हो जाएगा। केंद्र सरकार के मुताबिक संविधान में जम्मू कश्मीर को ये विशेष अधिकार प्रदेश के संविधान सभा से प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति के आदेश पर दिया गया था। जम्मू कश्मीर को मिले इस विशेष अधिकार के दर्जे को कश्मीर मतलब जो कश्मीर को एक विशेष अधिकार मिला था, आज करीब 70 साल बीत गए हैं। 70 साल से ये विशेष दर्जा मिला था। सरकार के मुताबिक अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से ख़त्म करना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि ये कश्मीर को
भारत की मुख्य धारा से जोड़ने में एक मुश्किल खड़ी कर रहा था। मतलब सरकार की कोई भी योजना होती थी वो जो है जम्मू कश्मीर तक के लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी, क्योंकि जो है वहां पर जो है उस राज्य का विशेष अधिकार था कि वहां की जो सरकार है वो अपने मतलब नागरिकों पर कानून नियम लागू करे, तो इसलिए जो है केंद्र सरकार की उस पर जो है पकड़ नहीं थी। तो इसलिए जो है भारत की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए यह बहुत मुश्किल कार्य था। इसके अलावा सरकार का कहना यह भी था कि अनुच्छेद 370 के चलते देश के दूसरे राज्यों में लागू 9 संविधान संशोधन और लगभग 100 से अधिक कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किए जा सकेंगे। कारण, जम्मू कश्मीर राज्य के विकास में बाधा पहुंची है। इसी की वजह से जम्मू कश्मीर के राज्य में जो विकास होना था वो विकास सही से नहीं हो पाया। दोनों सदनों से पारित हुए इस विधेयक में जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र को दो हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव रखा। तो अब वो दो हिस्सा कौन था कि ये दोनों क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश होंगे। एक ओर जहां विधेयक में जम्मू कश्मीर को विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने का प्रस्ताव है, तो वहीं लद्दाख को बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल करने की बात कही गई है। तो देखिए, अभी हम लोग चूंकि चर्चा कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर जो हाल ही में जो है हुआ था इसी के पहले, तो उसके विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो अभी हम लोग बताएंगे कि जो है कैसे जो है केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि राज्य केंद्र शासित राज्य के बारे में, और साथ ही समझेंगे कि आखिर किन आधारों पे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलता है। तो चलिए हम चर्चा करते हैं। मौजूदा वक्त में देश में कुल 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मतलब जब ये बना था तब की बात हो रही है, तब 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, जैसा कि हमने अभी पहले बता दिया है। चंडीगढ़, दमन और दीव, दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह जैसे केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल होने के बाद देश में अब कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया कि अगर वो शामिल हुआ तो उसके बाद 9 हो गए, और फिर अभी अभी हाल ही में जो है जो दादरा नगर हवेली और दमन और दीव है इसको दोनों को एक कर दिया गया, तो अर्थात अब फिर से 8 हो गए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। भारत के संविधान में प्रारूप के मुताबिक भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। देश में मौजूद कुल 7 केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा 29 राज्य भी हैं। मतलब 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। एक ओर जहां राज्यों का शासन उस राज्य की जनता द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है, तो वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक या उपराज्यपाल का शासन होता है। भाई जैसे हमारे यहाँ मुख्यमंत्री शासन करता है, उसी प्रकार केंद्र शासित प्रदेशों में ना जो राज्यपाल होते हैं या जो उपराज्यपाल होते हैं वो जो है वहाँ पर शासन करते हैं। तो गौरतलब है कि दिल्ली, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल द्वारा नियुक्त प्रशासक या उपराज्यपाल का शासन होता है। तो अगर आगे बात करें तो दिल्ली, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल यानी कि डिप्टी गवर्नर का शासन होता है, जबकि बाकी अन्य 4 केंद्र शासित प्रदेश यानी चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन व दीव और दादरा नगर हवेली में प्रशासकों का शासन होता है। तो चलिए आगे चर्चा करते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो भारत में केंद्र शासित प्रदेश का मतलब उन प्रदेश से है जिनको कुछ विशेष परिस्थिति के चलते किसी दूसरे राज्य में ना मिलाकर उन्हें केंद्र सरकार के नियंत्रण में रखा जाता है। वहीं अगर आगे बात करें तो राज्यों केंद्र शासित राज्यों को ये दर्जा अलग अलग कारणों से दिया जाता है। तो चलिए कारण पर चर्चा करते हैं कि किन किन कारणों की वजह से जो केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलता है वो मिलता है। तो चलिए कारणों पर चर्चा करते हैं। तो भारत में केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए गए हैं, इसके पीछे अकेले कोई एक जिम्मेदार नहीं है। अलग अलग परिस्थितियों के चलते भारत में केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। इनमें क्षेत्र का
छोटा आकार और कम जनसंख्या, अलग संस्कृति और दूसरे राज्यों से मतलब अलग संस्कृति और दूसरे राज्यों से दरों की जैसी जो अधिकार हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा प्रशासनिक महत्व और स्थानीय संस्कृति की सुरक्षा करने के चलते भी भारत में केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। साथ ही शासन के मामलों से संबंधित राजनीतिक उथल पुथल को दूर करना और सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थित रखने वाले इलाकों की वजह से भी भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का दर्जा दिया जा रहा है। वहीं अगर आगे बात करें तो राजनीतिक कारणों से केंद्र शासित प्रदेश बनने वाले में दिल्ली सबसे बेहतर उदाहरण है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी की ही तरह नई दिल्ली को भी किसी राज्य से अलग रखा गया है। गौरतलब है कि 1956 से 1991 तक नई दिल्ली भी बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन 1991 में 69वें संविधान संशोधन के जरिए राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश को एनसीटी का दर्जा प्राप्त हुआ। भौगोलिक दूरी के कारण बने केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह व लक्षद्वीप दो केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। वहीं अगर आगे बात करें तो भारत की मुख्य प्रायद्वीप सतह से दूर होने के कारण इन क्षेत्रों को किसी प्रदेश द्वारा संचालित करना काफ़ी मुश्किल होता। इसके अलावा क्षेत्रफल के लिहाज से भी छोटा होने का कारण इन इलाकों को राज्य घोषित नहीं किया जा सकता था। इन सब की वजहों के चलते अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप की भौगोलिक दूरी के कारण बने केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया है। इसे भी पुदुचेरी की तरह खुद के मंत्रिमंडल व मुख्यमंत्री की अव्यवस्था मिली है। यहाँ भी केंद्र सरकार के जरिए उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। कुल मिलाकर विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश उपराज्यपाल और मंत्रिमंडल के सामंजस्य से चलते हैं। मतलब हमने क्या देखा कि जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं वहाँ पर जो है जो शासन व्यवस्था संभालने का काम होता है वो उपराज्यपाल और मंत्रिमंडल करता है। वहीं अगर आगे चर्चा करें तो राजनीतिक कारणों से बने एक और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताएं, प्रदेश के बारे में बताते हैं। इसमें मौजूदा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ शामिल है। नई दिल्ली की तरह चंडीगढ़ के भी हालात ऐसे ही थे। साल 1966 तक चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी था, लेकिन 1966 में हरियाणा का गठन होने के बाद पंजाब और हरियाणा दोनों चंडीगढ़ को अपनी राजधानी बनाना चाहते थे। ऐसे में चंडीगढ़ को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाकर दोनों राज्यों की राजधानियां बना दी गई। मतलब जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ को जो है राजधानी बना दी गई। और किसकी किसकी राजधानी बनाई? पंजाब और हरियाणा की। तो पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी जो है चंडीगढ़ को बनाया गया। वहीं अगर आगे बात करें तो भौगोलिक दूरी के कारण बने केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि भौगोलिक दूरी के कारण जो केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं वो कैसे बनते हैं और कौन कौन से हैं। तो भौगोलिक दूरी के कारण बने केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह व लक्षद्वीप दो केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। भारत को मुख्य प्रायद्वीपीय सतह से दूर होने के कारण इन क्षेत्रों को किसी प्रदेश द्वारा संचालित करना काफ़ी मुश्किल हो जाता था। मतलब क्या हुआ कि भाई हम देख रहे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो जल से घिरा हुआ है और हमारा स्थल क्षेत्र जो है दूर है उससे। तो अगर हम किसी राज्य को, मान लीजिए कि जैसे तटीय राज्य की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश हो गया हमारे पास जो है, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, तो ये सब अगर मान लीजिए इनके संपर्क में कर दिया जाता तब भी जो है शासन चलाने में बहुत कठिनाई होती, क्योंकि दोनों के बीच की दूरियां बहुत हैं। तो इसी की वजह से जो है उसको किसी राज्य के संपर्क में ना करके, किसी प्रदेश द्वारा संचालित ना करके जो है उसे, इसके अलावा क्षेत्रफल के लिहाज से भी छोटे होने के कारण इन इलाकों को राज्य घोषित नहीं किया जा सकता था। इसी सब की वजह के चलते अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को भौगोलिक दूरी के कारण बने केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। चलिए वहीं अगली चर्चा करें
तो बताएंगे कि सांस्कृतिक विविधताओं के कारण जो केंद्र शासित प्रदेश बने हैं वो कैसे बनते हैं और कौन कौन से हैं। तो सांस्कृतिक विविधताओं के कारण बने केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो इनमें पुदुचेरी, दमन व दीव और दादरा नगर हवेली जैसे केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। दरअसल इन तीनों क्षेत्रों पर लंबे वक्त तक यूरोपीय देश पुर्तगाल और फ्रांस का कब्जा रहा था। लंबे वक्त तक रहे पुर्तगाल और फ्रांस के कब्जे का असर इन इलाकों में रहने वाले लोगों की संस्कृति पर भी दिखाई देता है। ऐसे में इनकी सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने के लिए इन्हें किसी राज्य के साथ मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। भाई चूंकि इनकी संस्कृति अलग है और प्रत्येक व्यक्ति का जो है अपना संस्कृति जो है उसकी अपनी संस्कृति को कायम रखना जो है एक मूल अधिकार है, और अगर उनको जो है हम भारत मुख्य भारत से जोड़ देते, अर्थात अगर जो है उनको किसी प्रदेश से जोड़ देते तो उनकी संस्कृति का विनाश हो सकता था, उनकी संस्कृति में कमी आ सकती थी। इसी की वजह से इनको जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। आपको बता दें कि 1972 में असम राज्य से अलग करके अरुणाचल प्रदेश व मिजोरम को भी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था, लेकिन 1986 में उन्हें राज्य का दर्जा मिल गया था। तो ये हमने आज चर्चा की कि आखिर केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं, कैसे कैसे उनका गठन होता है, कौन कौन से प्रकार के केंद्र शासित प्रदेश पाए जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा कि हाँ सर बहुत अच्छा समझाया या कैसा समझाया, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं इसीलिए स्टार्टिंग में नहीं बोलता हूँ, आप लोग देखिए, अगर आपको ये लगता है कि हाँ इससे आपको कुछ ज्ञान मिला है, कुछ आपको मिला है, तब आप जो है सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी के पहले मैंने जो है एक वीडियो और डाला था जो कि आपका कोरोना महामारी पर निबंध था, जिसमें हमने जो प्रवासी भारतीयों के लिए चलाया गया अभियान था उस पर चर्चा की थी, जिसमें आपका मुख्य था मिशन सागर, वंदे भारत एक्सप्रेस, ये सब था। और वहीं जो है एक वीडियो और मैंने बनाया था जिसमें प्रमुख वाद्य यंत्र और वादक थे, तो ये भी आप देख लीजिएगा क्योंकि मैक्सिमम परीक्षा में ये सब पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।